यूनुस खान केटीएस आज केबीएन टर्फ ग्राउंड पर रहे, जहां उमरा कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सैयद अली अल हुसैनी साहब से मुलाकात की, सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब से, साथ साथ आकिब अल हुसैनी साहब से उन्होंने मुलाकात की और आज वो गेस्ट के तौर पर भी प्रेजेंटेशन में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने मैन ऑफ द मैच दिया दोनों टीम के बेस्ट परफॉर्मर्स को। यूनुस खान केटीएस सीनियर जेडीएस लीडर भी हैं और वो नॉर्थ गुलबर्गा के एस्पिरेंट भी हैं जेडीएस पार्टी से। उन्होंने आज यहां पर वक्त दिया केबीएन चैंपियंस ट्रॉफी में और उन्होंने सैयद अली अल हुसैनी साहब और जिस तरह ग्राउंड का जो अरेंजमेंट किया जा रहा है उसकी उन्होंने काफी तारीफ भी की और प्लेयर्स को मोटिवेटेड रहने की उन्होंने सलाह भी दी। केबीएन चैंपियन ट्रॉफी जो हर साल केबीएन ग्राउंड में जो खिलाया जाता है, मैं अली बाबा मुस्तफा बाबा ये दोनों क्रिकेट टूर्नामेंट के बादशाह हैं, वो जैसे गुलबर्गा और कर्नाटक के, और मैं समझता हूँ प्राइवेट ग्राउंड पूरा हिंदुस्तान के लेवल पे भी देखा जाए तो ऐसा ग्राउंड मैं अभी तक नहीं देखा हूँ, क्योंकि इंक्रेजमेंट करते हैं नए नए प्लेयर को जो अंडर 16 करते हैं और जो रणजी ट्रॉफी खेले हुए प्लेयर्स भी हैं यहाँ पर और साउथ अफ्रीका के भी प्लेयर है, बेंगलोर से भी प्लेयर है, ये प्लेयर्स का इंक्रेजमेंट करना अली बाबा मुस्तफा के लिए एक दिल से वो कहते हैं, तो मैं ज्यादा एजुकेशन और तमाम ऑर्गेनाइज जो भी करते हैं और जो टीम परचेस करे जो टीम के ओनर्स है और पूरे टीम के कप्तान को मैं मुबारकबाद देता हूँ। खेल है, हार जीत लगे रहती है, ये गेम है, इसको एंजॉय करिए और जाके हमारे गुलबर्गा का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें से भी कोई प्लेयर हिंदुस्तान लेवल पर भी खेलेगा, उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ। शुक्रिया। Yeah, I'm not saying it.